हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर आता है उसकी कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, उसी के साथ जो हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर है इन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है वो भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों, जो हमारा स्टार्टर है उसके अंदर इंचिंग और नॉन इंचिंग कंट्रोल वायरिंग जो है वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो एक डायग्राम मैंने बनाया है उसका हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो आपको मैं नज़दीक से दिखाने की ट्राई करता हूँ। दोस्तों, ये इसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है जिसको हम साथ साथ में रखेंगे और उसी के हिसाब से पूरा वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा जो फेज है वो सबसे पहले MCB में जाएगा। MCB में से होके हमारी जो ओवरलोड रिले है उसकी NC वाले पॉइंट में से होके जो हमारा फेज वाला वायर है वो सीधा आ जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन में। मतलब यहाँ तक का वायरिंग हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वायरिंग करके रखा है ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना हमारा ख़राब हो। तो आपको दिखाता हूँ, ये हमारा MCB से निकला हुआ फेज वाला वायर है, ये सीधा जा रहा है, ये हमारी ओवरलोड रिले है और ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है और ये हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमें जो एक एड ऑन ब्लॉक हमने ऐड किया है जिसके अंदर आपको मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे नज़दीक से कि इसके अंदर हमें ये जो दो कॉन्टैक्ट दिए है वो नॉर्मली ओपन के है, मतलब एनो कॉन्टैक्ट है, और ये दो जो है वो हमारे NC कॉन्टैक्ट है दोस्तों, जिसकी मदद से हम लोग इसका पूरा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। तो इसको मैं इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे फिट कर देता हूँ। तो ये है हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है हमारा, और ये है हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर। तो वायरिंग डायग्राम के हिसाब से दोस्तों, सबसे पहले जो फेज वाला वायर है MCB से होकर ओवरलोड रिले की NC में गया है। मतलब ये जो रेड कलर का वायर है हमारा वो फेज का है। यहाँ पे हमारी जो रिले है उसके ये दो पॉइंट है हमारे NC के है और ये दो जो है वो NO के है। तो यहाँ पे जो पहले दो पॉइंट है उसके अंदर यहाँ से फेज जो है वो रिले की NC में से होके जा रहा है सीधा स्टॉप पुश बटन में। तो यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ मैं कि जो ओवरलोड रिले है उसकी NC में से निकल के सीधा जा रहा है स्टॉप पुश बटन में। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉप पुश बटन के पास आ गया है। उसके बाद स्टॉप पुश बटन जो है उसके अंदर से जो एक सिरा निकलेगा वो सीधा जाएगा हमारा जो फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है एक उसके अंदर जाएगा, और दूसरा जो है वो उसी में से निकल के सीधा रिवर्स का जो स्टार्ट पुश बटन है उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे सेम दोस्तों, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसकी मदद से यहाँ पे मैंने एक में से दो सिरे निकाले हैं, जो एक जा रहा है हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन है उसके अंदर और दूसरा जो है रिवर्स का पुश बटन। यहाँ तक की वायरिंग मैंने कंप्लीट कर ली है दोस्तों। उसी के साथ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे जो हमारी ये कॉइल है, ये फॉरवर्ड की कॉइल है, ये रिवर्स की है, उस दोनों में से जो A2 वाला टर्मिनल निकलेगा उसमें से कॉमन न्यूट्रल पॉइंट हमें निकालना होगा, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो उसकी वायरिंग मैंने ऑलरेडी करके रखी है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर जो MCB में से निकल रहा है ये वाला, वो सीधा यहाँ पे हमारा जो A2 बटन है उसके अंदर जाएगा, उसी के बाद यहाँ से निकल के सीधा जाएगा हमारा ये रिवर्स वाला जो कॉन्टैक्ट है उसके A2 वाले बटन में। उसको मैं आपको नज़दीक से दिखाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये A2 वाले बटन यहाँ पे दिए हुए हमें इधर से निकल के यहाँ तक। तो इस तरह इसकी जो न्यूट्रल की वायरिंग है वो भी मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो इसकी हमें सबसे पहले इंटरलॉकिंग करनी पड़ेगी। तो इंटरलॉकिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है उसमें से जो एक सिरा निकलेगा यहाँ पे वो सीधा जाएगा हमारा जो ये रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है उसकी NC में जाएगा, ताकि जो फॉरवर्ड वाला अगर हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो तो रिवर्स वाला ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। मतलब इन दोनों की जो NC है उन दोनों को हम इस तरह से क्रॉस में यूज़ करेंगे। मतलब जो हमारा ये फॉरवर्ड स्टार्टर जो है जब ऑन होगा तब रिवर्स का जो है वो NC है उसमें से NO हो जाएगा, मतलब ये वाला जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो ओपन रहेगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ये फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है उसमें से एक सीधा निकलेगा और सीधा जाएगा हमारे रिवर्स की NC में। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो है हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है उसमें से हमें एक वायर में ले लेता हूँ जो जाएगा सीधा रिवर्स की NC में। तो ये जो हमारा रिवर्स है और रिवर्स की NC मतलब ये दो जो सिरे है वो NC के है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है फॉरवर्ड का, उसमें से एक सिरा निकालूंगा और सीधा जाएगा यहाँ पे जो हमारा रिवर्स है कॉन्टैक्टर उसकी एनसी में। तो यहाँ तक का वायरिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इस वायर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वायरिंग उसकी कर दी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन था उसमें से एक वायर निकाला मैंने यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट में से, वो सीधा गया हमारी जो रिवर्स है उसकी एनसी में। अब हम डायग्राम के हिसाब से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये हमारा रिवर्स का एनसी है उसमें से एक सिरा निकलेगा, वो सीधा जाएगा हमारा जो फॉरवर्ड का स्टार्टर है उसके ए वन वाले कॉन्टैक्ट में। मतलब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो ये हमारा रिवर्स का एनसी होगा उसमें से एक सिरा निकाल के सीधा हमें देना होगा फॉरवर्ड के ए वन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये वाला वायरिंग कंप्लीट कर लिया है, मतलब ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का वायरिंग है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने क्या किया कि जो हमारा रिवर्ट का जो रिवर्स कॉन्टैक्टर था हमारा ये वाला, उसकी जो एनसी है उसमें से एक वायर निकाला हमने ये वाला, वो सीधा गया हमारे फॉरवर्ड के ए वन वाले कॉन्टैक्ट में, मतलब यहाँ तक, मतलब ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं रिवर्स का वायरिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हमारा रिवर्स स्टार्ट पुश बटन है उसी में से एक सिरा निकालेंगे हम, उसे देंगे हम सीधा फॉरवर्ड की एनसी में। मतलब हमें क्या करना होगा कि ये वाला जो पुश बटन है हमारा उसमें से एक वायर निकालना होगा, उसे हमें देना होगा ये हमारा फॉरवर्ड स्टार्टर है उसकी एनसी, मतलब यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे। तो उसका वायरिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारा रिवर्स स्टार्ट पुश बटन था उसमें से एक सिरा जो निकला उसे मैंने सीधा दिया है यहाँ पे हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसकी एनसी के साथ। मतलब ये हमारा जो रिवर्स का पुश बटन है ये वाला, उसमें से ये वाला सिरा निकला येलो कलर का, उसमें दिया है मैंने उसको सीधा यहाँ पे ये फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टैक्टर है उसकी एनसी के साथ। अब हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फॉरवर्ड का एनसी का दूसरा सिरा है उसको सीधा यहाँ पे देना होगा हमारे रिवर्स कॉन्टैक्टर के ए वन के साथ। मतलब यहाँ पे मैंने सेम उसी की तरह इंटरलॉक किया है कि फॉरवर्ड जो कॉन्टैक्टर है उसके साथ मैंने रिवर्स की एनसी को जोड़ा है और जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है उसके साथ मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड की एनसी को जोड़ा है। मतलब हमें यहाँ से जो ये वाला दूसरा एनसी का सिरा निकलेगा ऊपर से उसको सीधा यहाँ से लेकर हम इसके ए वन के साथ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट कर ली है। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जो ये फेज वाला वायर है वो सीधा एमसीबी में गया, एमसीबी में से निकल के ओवरलोड रिले में गया, ओवरलोड रिले की एनसी में से निकल के स्टॉप पुश बटन तक गया। मतलब ये जो फेज है हमारा और यहाँ से निकल के सीधा ओवरलोड रिले में, रिले से निकल के स्टॉप पुश बटन में, उसमें से दो सिरे निकले, एक गया फॉरवर्ड में एक रिवर्स में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जो फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन था उसमें से एक सिरा निकला हो गया सीधा रिवर्स की एनसी में। मतलब ये हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है उसमें से एक सिरा निकला वो सीधा गया रिवर्स की एनसी में, उसी में से एक सिरा रिटर्न निकला वो आया हमारा ए वन में, यहाँ से ए वन तक, मतलब ये वाला पॉइंट। और उसका जो न्यूट्रल है हमने पहले से ही दे दिया है, मतलब ये वाला वायरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है दोस्तों, उसमें से यहाँ पे मैंने एक सिरा निकला वो सीधा गया हमारी फॉरवर्ड की एनसी में, मतलब यहाँ से निकल के सीधा ये फॉरवर्ड की एनसी में गया, उसमें से निकल के ए वन में गया। तो यहाँ तक का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करूँगा तो ये वाला जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो ऑन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन है, उसको मैंने प्रेस किया तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करता हूं तो ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने इसको होल्डिंग नहीं दिया हुआ है। तो सेम उसी तरह यहां पे दोस्तों मैं रिवर्स को जब तक पुश करके रखूंगा रिवर्स वाले स्टार्ट पुश बटन को, तब तक हमारा ये रिवर्स वाला जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। इन दोनों के बीच हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों कि एक इंटरलॉकिंग दी हुई है। इंटरलॉकिंग कैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉरवर्ड में मोटर को स्टार्ट की है और किसी तरह से यहाँ पे अगर कोई इसे रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करने की ट्राई करेगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं होगा।
इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। सेम उसी तरह अगर मैंने यहाँ पे मोटर को रिवर्स में स्टार्ट किया हुआ है, ये वाली मोटर हमारी उस टाइप का कॉन्टैक्ट स्टार्ट है, तो अगर कोई इसे उसी दौरान अगर फॉरवर्ड में स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो ये ऑन नहीं होगा, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो दोस्तों इस टाइप की जो वायरिंग है जिसके अंदर हम लोगों ने होल्डिंग नहीं दी हुई है, इसको बोलते हैं इंचिंग कंट्रोल। तो इस टाइप की जो वायरिंग है उसका यूज़ मोस्ट ऑफ वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें मतलब जो मोटर है उसका थोड़ी थोड़ी देर के लिए यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्रेन या होस्ट वगैरह में हमें थोड़ी देर के लिए ही मोटर को ऑन करना है तो प्रेस करके रिलीज़ कर देना है, उस टाइप की वायरिंग में इसका यूज़ होता है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों कि जो ये हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्टर है उसको होल्डिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो हमने एड ऑन ब्लॉक ऐड किया है उसके साथ में उसकी वायरिंग करनी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमारा ये स्टॉप पुश बटन है हमारा ये वाला, उसमें से जो एक सिरा निकलेगा यहाँ पे वो गया है सीधा हमारा स्टार्ट पुश बटन में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ऑलरेडी यहाँ पे जो ये हमारा आउटगोइंग वायर है उसके अंदर से दो वायर निकले हैं, तो यहाँ पे हमें वायरिंग में ध्यान रखना होगा कि कोई भी एक टर्मिनल पे तीन वायर मतलब इकट्ठा नहीं करना है हमें। तो क्या करना होगा कि ये जो वायर है वो सीधा स्टॉप वाला पुश बटन से होकर फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में गया है, तो वहीं से हम एक वायर निकालेंगे और देंगे सीधा हमारा फॉरवर्ड के एनो कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दो कॉन्टैक्ट है हमारे एनसी के है और ये जो दो है वो एनओ के है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है ये वाला, उसी में से एक सिरा निकालूंगा, वो सीधा दूंगा यहाँ पे एनओ वाले कॉन्टैक्ट में, और उसी में से एक सिरा जो रिटर्न निकलेगा वो सीधा एनसी में से होकर जा रहा है हमारा फॉरवर्ड के ए वन में। मतलब यहाँ से मैं सीधा ये एनओ वाला कॉन्टैक्ट है दूसरा जो, उसमें से एक वायर निकालूंगा और पीछे वाले जो ए वन का टर्मिनल है उसमें दे दूंगा। तो यहाँ तक की वायरिंग मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका जो कंट्रोल वायरिंग है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो रिवर्स वाला पुश बटन था उसी में से सेम यहाँ पे ये जो वायर निकला है उसमें से निकाल के मैंने रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है उसके एनओ के साथ दिया है, उसी में से एक वायर जो निकाला है यहाँ पे उसको मैंने ए वन में दिया है। अब इसमें मैंने होल्डिंग को जोड़ दी है, तो जो होल्डिंग सर्किट है उसको ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन इंचिंग टाइप वायरिंग। तो दोस्तों उसको प्रैक्टिकली देखने के लिए यहाँ पे मैं दो लैंप का यूज़ करूँगा, जो एक फॉरवर्ड स्टार्टर के साथ कनेक्ट होगा और एक रिवर्स के साथ। उसका वायरिंग कैसे करेंगे, तो जो इसका फेज वाला वायर है वो सीधा जाएगा हमारे एनओ वाले कॉन्टैक्ट में या तो फिर हमारे ए वन वाले टर्मिनल में, और जो दूसरा न्यूट्रल है वो जाएगा ए टू में। तो उसी तरह मैं ए वन ए टू के साथ ये दो जो लैंप है उसको मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है, उसमें मैंने क्या किया है कि जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है उसके साथ एक लैंप को कनेक्ट किया है और जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है उसके साथ भी एक लैंप को कनेक्ट किया है, ताकि जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में मोटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा उसका प्रैक्टिकल मैं आपको इस वायरिंग डायग्राम के हिसाब से दिखाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने एमसीबी ऑन की है, मतलब फेज वाला वायर जो है वो स्टॉप पुश बटन से होकर सीधा हमारा है फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा और ये जो हमारा रिवर्स है उसकी एनसी है वो सीधी मतलब एनओ हो जाएगी, मतलब ये वाला कॉन्टैक्टर उस टाइम पे स्टार्ट नहीं होगा। उसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा अभी ऑन हो चुका है फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन। उसी टाइम पे अगर हम लोग ये रिवर्स को ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग इंटरलॉकिंग। सेम दोस्तों यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, अगर उसी टाइम पे अगर रिवर्स वाला जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसको हम ऑन करेंगे तो उस टाइम पे जो फॉरवर्ड मोटर है हमारी वो स्टार्ट नहीं होगी, उसको भी बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो दोस्तों ये था हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर का कंट्रोल वायरिंग। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।